ये बंदा इतना खूबसूरत है, अगर भैंसों के बीच में भी रहता है भैंस भी कहती है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गाय। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह क्या जंप है, मजा। ओ पीयूष भाई की बैक फ्लिप, ओह नो क्या बैक फ्लिप है, वाह। क्या कर रहे हो यहाँ, भांग मल रहे हो, क्या करते हो इसका फिर? कौन सा दिन है आज दोस्तों? तीसरा दिन है। किस चीज का? गायों के पास जाने का। हमारा जो टास्क है, हमने गायों को किसी के भी खेत में नहीं जाने देना है। तो दोस्तों टाइम तो काफी हो गया है, सुबह का सारा काम निपट गया है और अभी हमने बस नाश्ता करके निकलना है। आप लोगों का नाश्ता हो गया? हमारा हो गया। दोनों भाइयों का नाश्ता हो चुका है, मैं अभी नहा धो के काम निपटा के आया हूँ और अब मैं नाश्ता करूंगा और उसके बाद फिर हम जाते हैं फार्म पे गायों के पास। आज हमारे छांगुर भाई का काम है इधर जो भी धूप हो रही है यहाँ मीणों में, क्योंकि धान के खेत की तैयारी करनी, धान लगानी की, तो उससे पहले पूरी मीणों की साफ सफाई करनी है, तो उसके लिए मैं जाता हूँ फटाफट, जो फावड़े वावड़े हैं उनमें धार लगा देता हूँ, ग्राइंडर मार देता हूँ। तो दोस्तों आज नाश्ते में है ब्रेड पकौड़ा। नहीं भैया तुम अपना खा चुके हो, यहाँ रखो, तुम अपना खा चुके अपने हिस्से का। तो आज हम खा रहे हैं ब्रेड पकौड़े घर में बने हुए, आलू दही रोटी। नाश्ता तो हैवी करते हैं हम, तगड़ा, तभी पूरे दिन भर गाड़ी चलती है। दोस्तों आप भी इंजॉय करें ऐसे प्यारे प्यारे नाश्ते का। तो दोस्तों हम चल पड़े अपनी मोटरसाइकिल लेके गायों की तरफ। अभी तक तो शायद अजय भाई ने हमारी गायों को देखा है, अब हमारी ड्यूटी है। तो हम जा रहे हैं अजय भाई के लिए मट्ठा लेके। अजय भाई बहुत हेल्प करते हैं हमारी, इसलिए उनको मट्ठा तो पिलानी बनता है दोस्तों, इसलिए उनके मट्ठा लेके जा रहे हैं और वहीं पे मिलते हैं आपको अभी भी अपनी गायों के साथ। तो हम आ गए दोस्तों अपनी गायों के पास। मौसम है औसम, बड़ा ही जबरदस्त, धूप नहीं लग रही है, बादल हैं और हवाएं चल रही ठंडी ठंडी। आ रहा ना दोस्तों मजा? डॉक्टर साहब मौसम कैसा है? बहुत जबरदस्त, अगर ऐसा ही मौसम रहा तो पूरा दिन हम यहीं काट सकते हैं बैठे बैठे। तो दोस्तों आप पीते हैं मट्ठा और पानी, चलो आप। सरस्वती सरस, ये सामने हमारी सरस्वती खुदी को चाट रही है। आ जा बेटा आ सरस, ले मट्ठ पी ले। कोई नहीं, अभी इनको परेशान मत करो यार, अभी सत्य मत करो बेटा, ऐसा मत करो यार, गाय फिर क्यों करते हो आप। देखो दोस्तों यहाँ सभी अभी हमारी गाय चल रही हैं, मौसम बढ़िया है तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से चल रही हैं, लेकिन ये भाई क्यों पता नहीं इनको परेशान कर रहा है बार बार आके। और पीयूष जी बढ़िया, आज जी पूरे दिन ड्यूटी देनी है? हाँ मैं तो पूरा दिन ही रहूंगा, तू जाना कर। ठीक है यार, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने आज थोड़ा रेस्ट करना है, कल पूरे दिन भर आराम नहीं मिला, रात को भी बहुत देर सोए और वीडियो भी एडिट करना है यार। डॉक्टर साहब चार पाँच वीडियो बने हुए लेकिन हम वीडियो एडिट नहीं कर पा रहे, तो जल्दी आपके बदौलत हम वीडियो एडिट करेंगे। थोड़ी देर तो यहीं बैठ के करते हैं वीडियो एडिट, तभी तो यार अपने प्यारे प्यारे जो हमारे, वो देखो हरकतें देखो ना गाय के नीचे से, ये बड़की बड़की को ये चीज़ें पसंद नहीं जो आप कर रहे हो। बहुत बढ़िया, शॉट पड़ा है एक। तो दोस्तों मट्ठा और पानी पी के हम चल पड़े हैं गायों के पास। अजय भाई की भैंसें उधर हैं, वो है ना तुम्हारी भैंसें, इनकी भैंसें उधर हैं और हमारी गाय दोस्तों वो उधर फील्ड में आ गए हैं, पूरा झुंड वहाँ है, अब जाते हैं उनके पास। आज तो मौसम बढ़िया है, ऐसी हवा चलते रहे तो पूरा दिन यही निकाल देंगे। मैं तो यहीं सोऊंगा। तुम्हारी तो बात ही अलग है सर, तुम तो कहीं भी सो जाओगे, यहाँ क्या कहीं भी सो जाओगे, झाड़ियों में सोए मिले थे कल तुम, मुझे सुना मैंने यार, झाड़ियों में सो गए थे क्या? दिन भर ढूंढते रह गए ऐसे। अरे बताओ, और दोस्तों आपने देखो इतना खूबसूरत बंदा, हम सब यहाँ लोकल गए, लेकिन ये बंदा बाहर का देखो, इसका लुक देखो अलग ही है। ये बंदा इतना खूबसूरत है, अगर भैंसों के बीच में भी रहता है भैंस भी कहती है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गाय। कहाँ? इधर है सर, इधर इधर आइए, वहाँ नहीं सर, कैमरा आपको ढूंढ रहा है, आप उधर कहाँ जा रहे हैं सर? सर प्लीज़ सर प्लीज़ सर, क्या बात कर दी आपने, लेकिन बहुत मेहनती बंदा है पीयूष भाई, बहुत अच्छा बंदा है यार, बहुत बढ़िया। जब पीयूष भाई आप जाओगे ना मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मुँह छुपाओ सर, मुँह छुपाओ, तारीफ हो रही है सर आपकी। तो चलते हैं दोस्तों पहुंचने वाले गायों के पास। दोस्तों एक और बहुत ही खास बात आपको बताना चाहूंगा, अजय भाई आप बताइए आखिर इस जगह में इतनी हरियाली क्यों है? नमी ना यहाँ पे, और सब जगह सूखा पड़ा हुआ है लेकिन यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, देखो सिर्फ हरियाली, गाय यहाँ पे चरती भी है बैठती भी है, बहुत ही खूबसूरत नजारा रहता है इस जगह का। कुछ बैठी है हमारी गाय, कुछ खड़ी है और भोला जी हमारे चेक कर रहे हैं गायों को, ये उनकी ड्यूटी होती है डेली की, चेक करना कौन सी गाय हीट में आने वाली है, कौन सी हीट में है, ये इनकी ड्यूटी है और इसी से पता लगता है कि हमें अब कौन सी गाय हमारे हीट में आने वाली है, तो उसी हिसाब से हम लोग तैयारी करते हैं। ये बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, कहाँ रहते हो? अच्छा, गाय देखने आए हो, गायों को देखने आए हो, क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश ये मेरी है यार, राधे।
वाह यार कृष्ण कहाँ है? राधे तो यहाँ है, कृष्ण कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम गोलू। गोलू, राधे और गोलू ये दो बच्चे मिले हमें, ये गायों को देखने आए। ये सारी गाय मेरी हैं, इतनी हैं। अच्छी हैं? अच्छी हैं गाय। पसंद आई तुम्हें कोई गाय? कौन सी आई? वो सफेद वाली। सफेद वाली? सफेद वाली है, है? हाँ। अच्छा अच्छा, वो मारने वाली है, वो मारती है। इसमें बहुत सी मारने वाली गाय है, वो जो वो बैठी है पीछे वो भी मारती है। पास मत जाना, पास मत जाना, ठीक है? अच्छा तुम्हारी अम्मा है उधर, ठीक है ठीक है ठीक है। कौन सी वाली? अच्छा, तो तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है राधे, बहुत बढ़िया नाम है, राधे कृष्ण, राधे राधे। ठीक है ठीक है, बढ़िया है। अभी गाय बैठी है और देखो बच्चे, देखो डॉक्टर साहब हमारे सारे झुंड, बच्चों का अलग ही रहता है। ये तीन बच्चियां बैठी हुई हैं, एक उसके पास खड़ी है। रात को भी ये क्या करती है ना, इनका अलग ही झुंड है। ये चार पांच बच्चियां अलग बैठे रहती हैं, अपना अपना ग्रुप है इनका। ये देखो लड़के ऐसे मजे ले रहे हैं यहाँ। आहा, फ्रंट फ्लिप, क्या क्या फ्लिप, पता नहीं कौन कौन सी। वैसे पीयूष भाई आप इतने वजन होने के बाद भी अच्छे एफर्ट कर रहे हो, इतना वेट होने के बाद भी पीयूष भाई बढ़िया कर रहा है फिर भी। अरे गुड यार पीयूष भाई। अब गाय भी आ रही है शायद इधर, तब तक आप लोग नहाओ एंजॉय करो। गाय आएंगी तो उनको पानी पिला के फिर निकालते हैं बाहर। तो दोस्तों अब हमारी गाय आ गई है नदी पे पानी पीने के लिए, और यहीं पे हमारी असली ड्यूटी स्टार्ट होती है। ये पानी पिएंगी और फिर पानी पीने के बाद इनको हमें वापस भेजना पड़ेगा। देखो ये ऐसे पानी पी रही हैं और यहीं पे ध्यान देना पड़ता है क्योंकि यहीं से रास्ता बना हुआ है खेतों में जाने का। और बच्चे अभी भी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत देर हो गई नहाते नहाते। पानी अच्छा नहीं है, यहाँ मत जाओ यार ज़्यादा। पियो पियो पियो, आराम से पियो, आराम से पियो, सभी लोग पियो पानी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह क्या जंप है, मज़ा आ गया। चलो चलो सत्यम, मैं इधर गायों को देखूंगा, तुम लोग घर जाओ जाओ। अब तुम ऐसे में खाली यहाँ, वो देखो पीयूष भाई पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन कूद नहीं पा रहा है। अब उल्टा बैक फ्लिप, ओ पीयूष भाई की बैक फ्लिप, ओ नो क्या बैक फ्लिप है, वाह मज़ा आ गया। हो गया लड़को, हो गया, चलो आ जाओ। तुम्हारे नहाने के चक्कर में ना यहीं देखने में गाय गायब हो गई, गाय दिख नहीं रही है। एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ के ना, यहाँ पे छोटा सा जो मिनी जंगल है जिसको मैं कहता हूँ कि बहुत ही सुंदर ठंडी वाटिका है, वहाँ देखते हैं। और मैं जा रहा हूँ उसी तरफ को, सत्यम भी आ रहा है मेरे पीछे। हाँ शायद यहीं है, इसी के अंदर। हाँ 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 इसी के अंदर जा रही है, इसी के अंदर जा रही है। बहुत खूबसूरत जगह है दोस्तों, बहुत ही सुंदर जगह। जहाँ बाहर इतनी गर्मी रहती है, यहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। और यहाँ काफ़ी लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं अभी मैं इनको देखता हूँ। हमारी गाय तो इसी के अंदर है, ये देखो पीछे से सारी गाय इधर हैं, कुछ गाय उधर हैं। ये कौन कौन है यार, नए लोग दिखाई दे रहे हैं ये। अरे भैया कौन हो तुम, कहाँ रहते हो, क्या कर रहे हो इधर, क्या कर रहे हो यहाँ, भांग मल रहे हो, क्या करते हो इसका फिर, पीते हो, बेचते भी हो गए, बिकती भी है। पीने का तो बंदा रहा, देखने का फूल। अच्छा मतलब नशा करते हो दबा के, हैं? देखो दोस्तों ये चच्चा देख लो इनको, वीडियो में भांग मल रहे हैं, आ रहे हैं चच्चा सामने आ गया। बढ़िया है चच्चा, बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है, सामने आ गया, नहीं तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या है। ठीक है मलो यार, यहाँ ठंडा बहुत होता है क्या उसके नीचे, ठंडा। चलो हम भी यहीं बैठते हैं थोड़ी देर इस बांस के पेड़ के अंदर, झाड़ी में बांस की। और बाहर और यहाँ में अंतर है काफ़ी टेम्परेचर में। बांस की झाड़ियों के पास हम खड़े हैं, बांस के पत्ते भी खा रही है गाय हमारी। और ये भाई लोग अपने काम में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखो ये अपना चालू है इनका, ऐसे रगड़। कितना कितना बन जाता है इसमें, ऐसे कितना माल लगता है? एक बार में एक किलो। अच्छा चलो सही है यार, बना रहे हैं। और पीयूष भाई आगे नहा धो के, देखो यहीं दोस्तों ऐसे गाय खड़ी रहती हैं इसी के अंदर, कुछ यहाँ बांस की झाड़ियों में होंगी, कुछ अंदर है। और अब आ गई हैं दोस्तों यहाँ पे भैंसें अजय भाई की। हमारी गाय ऊपर आई, फिर अब इनकी भैंसें आ गई। ऐसे ही ये धीरे धीरे बारी बारी से नंबर लगता रहता है इनका। और उधर पीछे सारी अपनी इन्हें सब आ रही हैं। अब ये यहाँ पे पानी पीएंगी, नहाएंगी, बैठेंगी, रेस्ट करेंगी। और फिर कितने घंटे रखोगे यहाँ पे? आधा घंटा। आधा घंटा ठीक है, फिर
इनको यहाँ पे रख के तो तुम भी यहीं रहोगे कि उधर चलें? अभी बैठना पड़े ना, अभी बैठेंगे तब जाना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पे रहो, मैं बांस पे जा रहा हूँ, बांस के अंदर हम तो चले दोस्तों, बांस के अंदर, वो बांस की झाड़ी में बहुत ही ठंडा हो रहा है उधर पे। अभी दोस्तों एक और काम होने लग गया है, मीन निकालने लग गया है। मीन निकल जाएगी तो उसके बाद पानी छोड़ देंगे, जितना भी बैठना होगा बैठ जाएगा, इसलिए पानी छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तो वैसे बादल भी आ रहे हैं, तो मीन निकाल के हम क्या करेंगे, क्यारियाँ बना के उनमें पानी छोड़ देंगे, जिससे कि आसानी रहेगी बाद में रोपाई के, उसमें धान लगाते हो। और भाई ने चालू कर दिया है गूल निकालना, सॉरी मेड़ निकालना, मेड़ निकालना चालू कर दिया, ऐसे मेड़ दे दे के कैरियाँ बना देंगे छोटी छोटी, फिर उनमें पानी छोड़ दिया जाएगा। अभी हम आ गए हैं दोस्तों घर पे, और घर पे आके मुलाकात करते हैं अपने प्यारे रम्मू जी से। रम्मू, ओ रम्मू, गर्म लग रहा बेटा? रम्मू, रम्मू बहुत सीधा है, बहुत प्यारा है, ये फायदा होता है अपने घर में सांड तैयार करने का। तुम्हारे थन दब रहे हैं यार। शायद भोली माँ 2 या 3 दिन के अंदर भी आ जाए, वैसे तो मेरी कोशिश है या मैं भगवान से यही प्रे करूँगा कि 3-4 दिन ले ले, जितना टाइम लेंगी उतना फ़ायदा रहेगा उनके लिए। तो अब हम भी जाते हैं भोजन करने, भोजन वोजन करते हैं, फिर कैमरामैन पीयूष भाई या सत्यम भाई को जाना है 1 राउंड और गायों को देखने की, कहीं चले ना जाए उधर खेत की तरफ, तो वो बहुत ज़रूरी है देखना। परी क्या कर रही थी यहाँ, यहाँ कैसे गई तू, कैसे गई ट्रॉली से? अब तू उतरेगी कैसे, अब तो तुझे चोट लग जाएगी, अब कैसे उतरेगी, कौन उतारेगा? सुन, अब तू कैसे उतरेगी ये बता मुझे। रूपा उतारेगी? रूपा तो वो है वहाँ चल रही है, अब वो उतारेगी कैसे तुझे ये बता। उतर, चल उतर, देखता हूँ कैसे उतरती है। आराम से उतरना, चोट मत खाना, उतर। हाँ आराम से पैर रखना, आराम से। हाँ अब क्या करेगी? हैं, नहीं उतर पाएगी, गिर जाएगी। हाँ। कौन उतारेगा? दोस्तों ये हैं हमारी प्यारी भोली माँ, और आज भोली माँ की ऐसे करके मालिश हो रही है। आज हमारी भोली माँ ब्याह भी सकती हैं, कोई पता नहीं है क्यों। वैसे अभी ऐसा लगता नहीं, लेकिन एन थोड़ा इसने टाइट कर दिया, पिछली बार भी ऐसे ही भी आ गई थी क्यों, तो बाद में इसने एन उतारा था, तो कोई पता नहीं। आज वैसे भी अलग अलग घूम रही है, किनारा ढूंढ रही है बार बार। उधर दूर बैठी है हमारी बड़की माई, और वहाँ चंदू भी है, कुछ बच्चे और गाय भी इधर चर रहे हैं। तो दोस्तों आज का 3रा दिन भी जो हमारा है, वो भी मिशन हमारा सक्सेसफुल हो गया, हमारी कोई भी गाय खेत में नहीं गई। क्यों डॉक्टर साहब, 3 दिन की हमारी मेहनत रंग ला रही है, और कोई भी गाय और बछियाएं खेतों में नहीं जा रही हैं, पीयूष भाई की बदौलत। हमारे पीयूष भाई बहुत ही मेहनती आदमी, देखिए कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर, कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। और अभी बादल लगे हुए हैं, इसलिए गर्मी का एहसास थोड़ा कम है, उमस तो हो रही है, लेकिन आज हमें उम्मीद लग रही है कि बारिश हो सकती है। अजय भाई आज भोली माँ ब्याह भी सकती है, क्योंकि मेला छाँट रही है और थोड़ा एंड टाइट हो गया उसका, क्योंकि पिछली बार भी ऐसी अचानक से ब्याह थी, हो सकता है कि रात को भी आ जाए। दोस्तों अगर भोली माँ आज ब्याहती है तो ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, और अगर वो कल भी आएंगी तो हम कल दूसरा ब्लॉग बनाएंगे, इसलिए इसका मतलब है कि हम आपसे फिर कल मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय। भोली माँ भी आ गई तो आपको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना है, अगर भी आ गई वैसे भी करना है, और अगर वो भी आ गई तो स्पेशली करना है, पीयूष भाई कह रहे हैं, क्योंकि ठीक है तो कर रहे हैं, और अगर नहीं भी आए तो फिर आपको फिर भी करना ही है, फिर भी करना ही करना है, और अगर वो कल भी आएंगी तो कल नेक्स्ट ब्लॉग होगा। इसलिए दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे दूसरे ब्लॉग में। राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।